वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बीएससी या ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है ये। आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे और साथ ही इसके आपको लेक्चर के बाद इसके नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? आप सभी पढ़कर आए होंगे सैटेलाइट की बेसिक डिफिनेशन। तो सैटेलाइट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट अराउंड अ लार्जर बॉडी। कहने का मतलब है कि एक हमारी लार्जर बॉडी है, तो ये हमारी लार्जर बॉडी है और हमारी सैटेलाइट ये है, ठीक है। तो सैटेलाइट भी एक बॉडी है जो इसके ये अपनी ऑर्बिट में रह के, मतलब ये मान लीजिए ये इसकी ऑर्बिट है, तो ये अपनी ऑर्बिट में रह के इस लार्जर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कॉन्स्टेंटली रुक नहीं रही है और लगातार वो चक्कर लगाती जा रही है एक लार्जर बॉडी के, ठीक है। तो ये सैटेलाइट की डेफिनेशन है। अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन। तो ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये सैटेलाइट किसका है? ये सैटेलाइट है सन का, ठीक है। एंड द मून, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और वहीं अगर हम इसको मून मान ले, मान लीजिए अगर ये मून है तो मून किसका सैटेलाइट है? मून सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है, और अर्थ सैटेलाइट है सन का। तो ये तो बेसिक चीज है, आप सभी जानते हैं। देन अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट अराउंड अ लार्जर बॉडी। अब बात आती है सैटेलाइट कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली देखिए सैटेलाइट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था अर्थ, अर्थ सैटेलाइट है सन का, है ना, और मून, मून सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये हमारे हो गए नेचुरल सैटेलाइट्स। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, जिन्हें मानव जो है बनाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के भी टाइप्स हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के भी टू टाइप्स हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप देख सकते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। तो यहां पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ओर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी सिंपली डेफिनेशन देखें या सिंपल से टर्म में समझना चाहें, तो सबसे सिंपल जो चीज होती है, सबसे सिंपल जो पॉइंट होता है वो ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कि अ सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ हुज टाइम पीरियड इज 24 आवर्स इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ऐसी सैटेलाइट मान लीजिए वो अर्थ के अराउंड मूव कर रही है और जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स काउंट किया जाता है, तो ऐसी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है। और अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एग्जाम में डिफाइन करते हैं या इसको हम लिखते हैं तो फिजिक्स टर्म में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और वो डेफिनेशन सुइटेबल हो सकती है कि अ सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन A satellite that revolves around the Earth in equatorial plane in the same direction with the same angular speed as that of Earth about to own axis is called geostationary satellite. ठीक है, तो ये हमारी फिजिक्स टर्म में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन आ गई। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये मान लीजिए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट और इक्वेटोरियल प्लेन में कर रहा है, ठीक है। प्लेन उसका कैसा होगा? इक्वेटोरियल प्लेन होगा और सेम डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा होगा और उसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो भी सेम होगी,
ठीक है, और अपनी एक्सिस पे ये जो है अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होगा अर्थ के अराउंड, तो ऐसा सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और अब हम इसके कुछ और टर्म और फैक्ट पढ़ते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के क्या टर्म है, क्या फैक्ट है और इसके यूजेस क्या है, हम ये देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द स्पीड ऑफ सच सैटेलाइट्स इज जीरो। इस टाइप की जो सैटेलाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, उसकी स्पीड जीरो देखी जाती है रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसीलिए जो है इट अपेयर्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो क्या कहलाएगी, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगी। सिंस इट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन सो इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अच्छा, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होगी वो कैसी ऑर्बिट होगी, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होगी उसकी, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन में रह के रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये यहां पे हो जाएगा। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिए, हमने ब्लैक पेन से यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है। ये यहां पे कुछ और इसकी इसके फैक्ट्स हैं इस सैटेलाइट के, और ये पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं तो वहां से आप टिक लगा सकते हैं। अगर आप यहां से पढ़ते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट अबाउट 24 आवर्स, द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने टाइम पीरियड इस सैटेलाइट का पहले भी बताया था कि इसका काउंट किया जाता है 24 आवर्स, और द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट की हाइट देखें तो ये जो है बताता है कि 36,000 किलोमीटर काउंट किया जाता है, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली काउंट की जाती है और लिखी जाती है। ठीक है, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज ऑल्सो अबाउट 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूजेस क्या है और इसके फैक्ट क्या है। अच्छा, इस सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है उनका यूज कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, उनका यूज कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है, इसीलिए इन सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के, तो एक बढ़िया रिफ्लेक्टर के रूप में ये एक्ट करते हैं, जो कि जो बहुत अच्छे वेव्स जो है प्रोडक्ट करता है, जो बहुत अच्छे वेव्स का प्रोडक्शन करता है, तो इसीलिए इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे देखिए लिख के रखा हुआ भी है। सच ऑर्बिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन वेयर दे एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ सुइटेबल वेव्स कैरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये वेव को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, तो जिससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैरी की होती है। ठीक है, सो दीज सैटेलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अच्छा, ये अब वर्क किस तरीके से करता है हम उसे देखते हैं। तो देखिए, इसका जो वर्क होता है, मान लीजिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो कि जिनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ये वर्टिसेस ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ये जो है प्लेस्ड है, कैन होल्ड द इंटायर वर्ल्ड, और ये एक तरीके से पूरी दुनिया को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और जो हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं या टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है, इसी सैटेलाइट के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, तो अब इसका वर्क यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम से आप ये थ्योरी को समझ सकते हैं।
तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, 1, 2, 3 और तीनों जगह लिखा हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ये प्लेस्ड है, ठीक है। और अर्थ यहाँ पे बीच में एज्यूम हो रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है जो है, ये एक तरीके से ये इन्होंने पूरे वर्ल्ड को होल्ड करके रखा हुआ है और ये इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक इक्विटोरियल ट्रायंगल का फॉर्म देख सकते हैं, तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लेस्ड हैं और ये हमारा अर्थ एक प्लेनेट है। और इसी तरीके से जो हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स और टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है वो इसी सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिटेड होता है। और हम जो है इसका यूज यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मेन यूज यहाँ पर हम जान चुके हैं। और तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करिए। एंड बीएससी से रिलेटेड नोट्स, असाइनमेंट, वाइवा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अदर्स में शेयर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बढ़िया टॉपिक के साथ, बीएससी के टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।